वहीं यूपी के मेरठ में बीते दिन पेशी पर आया आरोपी पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था, लेकिन आज दूसरे दिन भी पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई। अब इस मामले में एसएसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मदन सिंह उर्फ बद्दू, ये जनपद फरुखाबाद की जेल में बंद था, एज ए कॉन्विक्ट ये बंद था, और ये पेशी पर जनपद गाजियाबाद लाया गया था। लौटते में कुछ पुलिसकर्मी इसको हापुड़ के रास्ते न जाते हुए मेरठ के रास्ते से इसको ले गए, और मेरठ के रास्ते में एक होटल के अंदर जब ये लोग खाना खा रहे थे तो उस दौरान ये बदमाश वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया। उसके बाद इन लोगों ने उसको स्वयं अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास किया, जब वो नहीं मिला तो उसको बाद में थाने पर आकर इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अभी 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिनमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, और 3 अन्य लोग भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो जनपद फरुखाबाद से ही जब ये गाड़ी चली थी तभी से इन लोगों के साथ हैं। पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया, और पुलिस अभी अन्य कुछ लोगों के नाम पुलिस को भी और पता लगे हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिन लोगों की भूमिका भी समक्ष प्रतीत हुई है, तो पुलिस इसमें आगे बढ़ रही है, जल्द से जल्द बदमाश की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। सर, क्या इसमें ऐसे ही पता चला कि इस पुलिस वालों को जो खाना खाए थे उनको बेहोशी की दवाई या मिठाई ऐसी कुछ खिलाई गई जिससे बेहोश हो गए? नहीं, अभी कोई तथ्य सामने नहीं है। सर, ये भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसके रिलेशन देश से बाहर भी है।